शुरू से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इस मुकाबले में थोड़ा सा क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं आपकी टीम पिछड़ रही है, क्या दबाव आपको लगा? सबसे पहले तो मैं पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करना उससे पहले कहा मैं दर्शकों का शुक्रिया जुड़ना मजा नहीं है, दोनों तरफ दोनों टीमों को काफी सपोर्ट किए और हमारी टीम जब बैठे फील्डिंग करी तो हमारा ये था कि 70-75 हमारे जो काम में अंधेरा होगा बैटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, तो मंजीत की टीम ने काफी अच्छी बैटिंग की लेकिन शुरुआत में हम लोग दो तीन विकेट जल्दी गिर गए, फिर उसके बाद हम लोग पकड़ के खेल रहे थे तो हम जान रहे थे रवि भी गति में बचा नहीं चाहिए तो मार सकता है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अच्छी बैटिंग की है। और सबसे बड़ी बात मैं अफसर भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, जो अफसर भाई 2018 में जब लास्ट टाइम हुआ था शीर्ष आगत टीम हमारी हार गई थी तो हमारा ये टारगेट था अफसर भाई ड्रीम था कि हम लोग यहाँ फाइनल जीते और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग यहाँ फाइनल जीते और अफसर भाई कहना था कि ये टूर्नामेंट जीत जाऊंगा खेलेगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक कोहला ही खेलेगी, अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। नहीं देखिए अफसर भाई कह रहे थे ये बात लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि जब तक मैं खेल रहा टीम में तब तक टीम खेलेगी और सबसे पहले मैं रामदेव शुक्रिया अदा करूँ जो देहरादून से तशरीफ लाया पूरी कमेटी का जो है सहमान भाई अरविंद भाई कुंदनपुर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का टूर्नामेंट पाया और खिलाड़ियों का जो है गौरव बढ़ाया और खासकर मेरे सरफराज भाई हमारी बराबर बात होती रहती थी, बस ये था कि आजम शीर साल का कैसे भी कामयाब कराना है कैसे भी टूर्नामेंट बढ़िया हो रहा है, 3-4 साल गैप हो गया था अलहमदिल्ला मैं देख रहा हूँ अब तक शीर साल का हम सबसे ज्यादा पब्लिक रही होगी इस बार रही होगी।